बिग बिल मूवी के सभी बिहाइंड द सीन आप देखने वाले हो, थालापति विजय के फैंस वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक मार दें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी का यह एक दमदार सीन है। इस सीन को शूट करने में बहुत सारे कैमरा एंगल लगे थे। इस सीन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यहाँ जो आप बाइक ड्रिफ्ट देख रहे हैं ना, इसे किसी स्टंटमैन या डबल बॉडी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि खुद सुपरस्टार विजय ने इस सीन को कंप्लीट किया था। आप देख सकते हो ना, काफ़ी अमेजिंग है। सो इसलिए दैट्स अमेजिंग। एटली कुमार के निर्देशन में यह 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। एटली कुमार के जबरदस्त निर्देशन का ये फिल्म एक उदाहरण। बाय द वे, जब एक अच्छे डायरेक्टर को टैलेंटेड सुपरस्टार के साथ काम करने को मिलता है तो लाजमी है कि वो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ही। इसी का नतीजा यह बिगिल फिल्म है, जो 304 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके बैठ चुकी है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सफलता के आगे बॉलीवुड घुटने टेकने लगा है। एंड वह जमाना चला गया जब बॉलीवुड के आमिर खान, सलमान एंड शाहरुख की फिल्में 200 और 300 करोड़ कमाती थी। अब तो सलमान की अंतिम और रणवीर की 83 जैसी बॉलीवुड फिल्मों को 100 करोड़ के क्लब में एंट्री लेना मुश्किल हो चुका है। आपको बता दें कि डायरेक्टर एटली कुमार साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सफल निर्देशकों में से एक हैं। उनकी सफलता को देखते हुए किंग खान यानी शाहरुख खान ने खुद उन्हें अपने साथ काम करने का प्रपोजल दिया था। एंड अब वह शाहरुख की फिल्म सनकी को निर्देश कर रहे हैं। बिगिल मूवी के फुटबॉल टूर्नामेंट का सीन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इस बिहाइंड द सीन में मूवी के इस पावरफुल सीन का ब्रेकडाउन हम आपके लिए कर रहे हैं। दरअसल ये जो फुटबॉल का ग्राउंड आप देख रहे हैं ना, इसमें क्रू मेंबर के अलावा और कोई नहीं, यानी जितने भी स्टार्स थे और जो इनके डायरेक्टर वगैरह जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनके अलावा और कोई नहीं थे। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं वो सभी VFX का कमाल है, यानी कि इसे खाली स्टेडियम में शूट किया गया था। यह एटली कुमार के जबरदस्त निर्देशन और VFX टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमें इतना अच्छा देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि प्लेग्राउंड यानी इस जो प्लेग्राउंड के का जो पूरा सीन आप देखे थे या एक ही स्टेडियम या लोकेशन पर शूट किया गया था। दरअसल इस सीन को VFX के सेपरेट स्टूडियो पर भी शूट किया गया था। एंड मूवी में आप जितने भी स्टार्स के द्वारा जंप और एक्शन सीन करते हुए देखे थे वे सभी क्रेन की मदद से किए गए थे। यह सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवी में जो आपने जो रेलवे स्टेशन का सीन देखा था ना, दरअसल वह एक स्टूडियो का ही सीन था। स्टूडियो में इस तरह से डमी ट्रेन होते हैं। रेलवे स्टेशन को सजीव दिखाने के लिए ग्रीन बैकग्राउंड को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, है ना, अमेजिंग। ब्रिज के फाइटिंग सीन को याद कीजिए, वह कैसा लगता था। और अब आप इस सीन को बनते हुए देख रहे हैं तो यकीन नहीं हो रहा ना, है ना, अमेजिंग। दरअसल इसे भी VFX स्टूडियो में ही शूट किया गया है। आप जितने भी ब्रिज के पिलर देख रहे हो ना, वो सभी कार्टून के बने हैं। तो आई होप कि आपने बिगिल मूवी के बिहाइंड द सीन को एंजॉय किया होगा। एंड विजय थालापति के फैन होने के बावजूद भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की। अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी के बिहाइंड द सीन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दें और राइट में आश्रम वेब सीरीज के बिहाइंड द सीन आपके लिए अवेलेबल है। और हाँ, जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा।